कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। नमस्कार भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सोनालिका DI 55 है। ये 55 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है दोस्तों, और इसके पीछे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, रोटावेटर लगा हुआ है शक्तिमान का 7 फीट का, और दूसरा ट्रैक्टर जो है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये सोनालिका का DI 750 है, ये भी 55 HP की कैटेगरी का ही ट्रैक्टर है। इसके पीछे दोस्तों 7 फीट का लैंड फोर्स 10 मेस का रोटावेटर लगा हुआ है। तो आज दोनों ही ट्रैक्टर का जो है कंपैरिजन करने वाले हैं, क्या स्पीड आती है दोनों की लो के पहले दूसरे तीसरे तीनों गियर के अंदर, और देखेंगे कि ट्रैक्टर दोनों में से कोई सा दबता वगैरह तो नहीं है, और क्या डिफरेंस है दोनों ट्रैक्टर के अंदर। सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशल है वीडियो आज की आप लोगों के लिए। लो के पहले गियर में 1800 RPM 1800 चक्कर कर लियो, ठीक है। लो का पहला गियर 1800 चक्कर, और लीवर दोनों डाउन कर दियो। भाइयों दोनों ही ट्रैक्टर स्टार्ट करवा दिए, 1800 चक्करों पर चलवाएंगे दोनों ट्रैक्टरों को, 7 फीट के रोटावेटर के साथ में ही है, और लीवर दोनों डाउन करा लिए हैं। लो का पहला गियर दोनों के अंदर लगवा लिया भाइयों। अब लोग आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, चलो ये देख लो भाइयों। दोनों लीवर डाउन है, कोई हाथ नहीं लगा रखा, ना इन किसान भाई ने ना उन किसान भाई ने, दोनों की आप लोग स्पीड देख लो। ये नया वाला मॉडल है, वो पुराना वाला मॉडल है, उसकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड में डिफरेंस नहीं है, मात्र थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है उसकी। दूसरा लगाओ, दूसरा। अब दोस्तों दूसरा गियर लगवा दिया है, आप लोग देख लीजिए। अब जो है DI 55 थोड़ा सा आगे चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इधर जो है सोनालिका 750 है, वहाँ ये देख लो, और ये इधर को घूम गया है और वो उधर को घूम गया है। ये देख लो भाइयों, दोनों की चाल लगभग दोस्तों सेम सी है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है दोनों की चाल में, आप लोग देख लो। ये देख लो भाइयों, बंद कर दो। ये देख लो भाइयों, ये सोनालिका 750 था, लो के पहले और दूसरे गियर में दोनों ही चलवा कर आप लोगों को दिखा दिए हैं। आप लोगों ने दोनों की स्पीड देखी, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेम कैटेगरी के ट्रैक्टर हैं, बस मॉडल में अंतर है, वो नया मॉडल है ये पुराना मॉडल है, बाकी कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। ये थी दोस्तों एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो पुराने और नए मॉडल के अंदर, कि क्या अंतर आता है दोनों की स्पीड में रोटावेटर के ऊपर। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो को शूट करने में, आपको केवल 1 सेकंड ही लगेगा लाइक करने में, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे इसी तरीके की किसी शानदार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।